बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने कंप्यूटर के पहले भाग की जानकारी प्राप्त की, जो कि हार्डवेयर है और जिसमें सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कार्य करते हैं। अब हम कंप्यूटर के दूसरे और सबसे मुख्य भाग सॉफ्टवेयर की जानकारी लेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आइए सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जानकारी लेते हैं। जिस प्रकार से एक स्कूल में विशेष सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए विशेष टीचर होता है, जैसे मैथमेटिक्स के लिए मैथ्स के टीचर, इंग्लिश के लिए इंग्लिश के टीचर और हिंदी के लिए हिंदी के टीचर, उसी प्रकार से कंप्यूटर में एक विशेष कार्य करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे यदि आप कंप्यूटर में टाइप करना चाहते हैं तो एमएस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि टाइपिंग का कार्य किया जाता है। परंतु यदि आप कुछ हिसाब किताब रखना चाहते हैं या कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं, और इसी तरह से यदि आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो आप पेंट ब्रश का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक विशेष कार्य के लिए कंप्यूटर में एक विशेष सॉफ्टवेयर होता है, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। हर एक स्कूल में एक प्रिंसिपल भी होता है, जिनका काम उस स्कूल का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का ध्यान रखना होता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के सभी संसाधनों या रिसोर्सेज की देखभाल के लिए, कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर होता है जो सीधे हार्डवेयर से काम लेना जानता है, जैसे किसी फाइल को रखना या डिलीट करना, और इसी को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम काफी सारी कंपनीज के द्वारा अवेलेबल है, जैसे विंडोज, लाइनक्स, उबंटू और एप्पल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो सॉफ्टवेयर जो एक विशेष कार्य करते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर का ध्यान रखते हैं, उसके रिसोर्सेज का ध्यान रखते हैं, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे सामान्य जीवन में हम मापने के लिए इकाई, जैसे दूध के लिए लीटर, फलों के लिए दर्जन या किलो का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर अपने डेटा को स्टोर करने के लिए बिट्स का प्रयोग करता है, जो 01 का प्रयोग करके बनाई जाती हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। बिट्स का अर्थ 0 या 1 से है। हर जानकारी को कंप्यूटर 0-1 के आधार पर स्टोर करता है। यह मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। इसके अतिरिक्त एक अकेली डिजिट को बिट कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखें 110 110 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुल 3 बिट्स हैं। कुछ भी स्टोर करने के लिए कंप्यूटर कम से कम 8 बिट्स का इस्तेमाल करता है। जैसे आपके सामने उदाहरण में 85 अर्थात 85 को स्टोर किया गया है, जिसमें उसका एक बाइनरी कोड दिखाया गया है, जिसको 8 बिट्स के आधार पर स्टोर किया गया है। बिट्स कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। अगर 8 बिट्स को मिला दिया जाए तो उसे 1 बाइट कहते हैं, और इसी तरह से जब 1024 बाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम 1 किलो बाइट कहते हैं। 1024 किलो बाइट को हम 1 मेगा बाइट कहते हैं, और 1024 मेगा बाइट्स को हम 1 गीगा बाइट कहते हैं। जब 1024 गीगा बाइट इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे 1 टेरा बाइट कहा जाता है। कंप्यूटर अपनी जानकारियों को स्टोर करने के लिए इसी तरह की मेमोरी यूनिट्स का प्रयोग करता है, जैसा कि आप अपने मोबाइल में भी देखते हैं कि मेमोरी कार्ड की जानकारी दी जाती है। मेमोरी कार्ड 1 GB, 2 GB और 4 GB, इसके अतिरिक्त भी काफी सारी साइज में उपलब्ध रहता है।